निसंदेह आपने वो कहावत सुनी होगी कि किसी को समझने के लिए आपको उनके जूते में एक मील चलने की जरूरत है। दूसरे शब्दों में, अपने आप को उनकी स्थिति में रखना, चीजों को देखने के लिए कि वे किस तरह से करते हैं। मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताजा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कल हमने इस बारे में बात की थी कि हम दूसरे लोगों को कितनी तत्परता से आंकते हैं, वे कैसे दिखते हैं, क्या कहते हैं, क्या करते हैं। वास्तव में किसी को जानने का पहला कदम निर्णय को स्थगित करना है। दूसरा है उनका दृष्टिकोण मान लेना, दूसरे शब्दों में उनकी जगह एक मील चलना। सो, जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो ठीक वही है जो यीशु ने आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए किया था। बाइबल में लिखा है इब्रानियों उसका 4:15 में, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो अभी निष्पाप निकला। अब बहुत वास्तविक अर्थ में परमेश्वर हमें पहले से ही जानता था। हम जो महसूस करते हैं इसे क्यों महसूस करते हैं, हम ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं जैसा कि हम करते हैं, क्योंकि ईश्वर परमेश्वर है और वो सभी चीजों को हमेशा के लिए जानता है। फिर भी मनुष्य बनने में यीशु ने हमारे जूतों में एक मील चलने के लिए चुना। इसलिए परमेश्वर न केवल जानता है कि हमारे लिए मनुष्य होना कैसा है, क्योंकि वो खुद परमेश्वर है, इसलिए बल्कि कि वो मनुष्य बन गया। हम सभी चीजों को हमेशा नहीं जानते जैसे वो जानता है, लेकिन हम चीजों को दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखना चुन सकते हैं, उनके प्रलोभनों को समझ ये सराहना कर सकते हैं कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं और वो क्या करता है। ये उनकी मानवता के द्वार खोलता है ताकि हम उनके संघर्षों को समझ सकें, ताकि हम उनके साथ सहानुभूति रख सकें। हमारे आसपास के लोगों के संबंध में यीशु हमें कितना शक्तिशाली उदाहरण देता है, उसके जूतों में एक मील चले। ये परमेश्वर का ताजा वचन है आज आपके लिए।